दिव्य हिमाचल कांगड़ा न्यूज ब्रॉट टू यू बाय विरमानी स्किन केयर नगरोटा बगवा कांगड़ा, जहां आपको मिलेगा अपनी त्वचा से जुड़ी हर समस्या का समाधान। अपने शरीर के अनचाहे बाल हटाना या झड़ते बालों का रोकना, चिकन पॉक्स, मुहासे, सर्जरी के बाद के निशान, इनका बेहतरीन ढंग से इलाज। डॉक्टर मल्लिका अरोड़ा MBBS MD स्किन अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं के निदान के लिए आज ही मिलिए। सांसद शांता कुमार ने कहा कि वे पहले ही कह चुके हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने पार्टी को भी इस बारे में अवगत करवा दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय पार्टी ही करेगी कि लोकसभा का चुनाव किसे लड़ाया जाएगा। वे हमेशा पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हिमाचल में स्टेट गेस्ट के तौर पर आए महेंद्र सिंह धोनी का विरोध होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस वक्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सदन में संख्या बल कम होने के बावजूद मुकेश अग्निहोत्री को विपक्ष का नेता बनाया। हिमाचल सरकार ने यहां बड़ा दिल दिखाया है। वह विपक्ष से सहयोग की कामना करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से हिमाचल में बिजली, पानी और पर्यटन में पूर्ण सहयोग की कामना करते हैं। हिमाचल में पर्यटन की नई नीति के लिए सरकार बधाई की पात्र है। नई नीति के तहत हिमाचल में पर्यटन के कारोबार को पंख लगेंगे। ये नीति इन्वेस्टर फ्रेंडली नीति के तौर पर काम करेगी। अब पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाई गई पर्यटन नीति के तहत यहां से मुंह मोड़ चुके इन्वेस्टर दोबारा हिमाचल आएंगे। धर्मशाला में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करवाने की दिशा में शुरू हुए कदम की भी उन्होंने सराहना की। उन्होंने मोबाइल और ड्रग्स के इस्तेमाल पर भी चिंता जाहिर की। शांता कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से उनका आग्रह है कि प्रदेश में बौद्धिक विकास की शिक्षा को तरजीह दें। गूगल शिक्षा दे सकता है, संस्कार नहीं। अपनी चिंता बता दी है, लेकिन अंतिम निर्णय तो पार्टी। सर, पार्टी अब तक आपके दो बार मना करने के बावजूद नया चेहरा क्यों नहीं उतार पा रही है कांगड़ा में? क्या भाजपा के पास चेहरों की कमी है? इस बात का जवाब तो पार्टी दे सकती है। आप भी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और बहुत सारे लोग कार्यकर्ता आपको ही पार्टी मानते हैं। जो काम जिसका है, ये निर्णय पार्टी को करना है। पार्टी जो निर्णय करेगी उसके मुताबिक कार्यकर्ता उस पर अमल करते हैं। सर, अभी आपने जो है वो तमाम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ट्यूबवेल लगाने की बात करी है, वो जो प्रोजेक्ट है वो कब शुरू होने वाला है और उसके लिए कितना बजट? मैंने अपनी सांसद निधि से एक करोड़ रुपया केवल ट्यूबवेल लगाने के लिए रखा है, क्योंकि कांगड़ा चंबा के अंदर योजनाएं हैं, नल बिछे हुए हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए धर्मशाला से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो चीफ पवन कुमार शर्मा की रिपोर्ट।